अगर आप सीगेट के SSD, HDD या फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स यूज करते हो और बाय चांस कुछ समय के बाद वो खराब हो जाए तो आप क्या करोगे? वारंटी क्लेम ना। सीगेट काफी पॉपुलर ब्रांड है स्टोरेज के मामले में। बहुत सारे लोग इसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो कुछ ऑफलाइन अपने PC में लगवाते हैं, जिसमें मैं भी हूँ। बट मुझे क्या पता था भाई, मेरा ड्राइव डेड हो जाएगा। अच्छी बात बस ये थी, अंडर वारंटी ये हुआ। तो चलो आपको बताता हूँ आप भी कैसे अपने डेड ड्राइव को रिप्लेस कर सकते हो नए ड्राइव से। देखो, रिप्लेसमेंट दो तरीके से होता है। पहला सर्विस सेंटर जा करके, दूसरा सर्विस सेंटर पे डिफेक्टिव प्रोडक्ट सेंड करके। और दूसरे मेथड को ही हम यूज करने वाले हैं। अब चेन्नई कौन जाएगा भाई इतनी गर्मी में। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है गूगल पे सीगेट वारंटी चेक या क्लेम, और आपको चले जाना है इसके ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर के जरिए वारंटी चेक का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो सिंपली यहाँ पे फिल करें और वारंटी देखें अपने ड्राइव पे कि कितने दिन तक है। तो हमारे ड्राइव पे सितंबर 2024 तक वारंटी वैलिड है। तो चलो क्लेम करते हैं। तो सिंपली मैं नीचे जाकर के क्लेम पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आता है लॉगिन का। जैसे ही आप अनदर साइट्स पे रजिस्टर करते हो खुद को अपने ईमेल आईडी के साथ, मोबाइल नंबर के साथ, एड्रेस के साथ, उसी तरीके से आपको भी सीगेट के ऑफिशियल साइट पे रजिस्टर कर लेना है, तब जाकर के आप अगले प्रोसेस पे जा सकोगे रिप्लेसमेंट के। मेरा यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली लॉगिन करके सारी चीजें बताता हूँ। रजिस्टर के तुरंत बाद आपको अपने एड्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से फिल करना है ताकि आपका रिप्लेसमेंट ड्राइव आप तक सेफली पहुँच सके। तो ये है मेरा अकाउंट जहाँ पे आपको बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस दोनों दिखाई दे रहा है। उसी के नीचे आपको मेरा ईमेल भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ नीचे एड्रेस के साथ मोबाइल नंबर भी, ताकि सर्विस सेंटर के लोग आपसे कॉन्टेक्ट कर सके। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फिल करनी है। अब वारंटी क्लेम करने के लिए हमें एक ऑर्डर क्रिएट करना होगा, तो सिंपली क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इंटर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है प्रोडक्ट का नंबर और सीरियल नंबर, जो कि हमारे ड्राइव पे मेंशन किया रहता है। तो वहाँ से आपको देख करके इसमें अच्छे तरीके से फिल करना है, जैसे मैंने किया है। और ठीक नीचे आते हैं तो देखो, हमने पहले ही एड्रेस अपना फिल कर लिया था तो एड्रेस शो हो रहा है, और उसी के जस्ट नीचे आई एम नॉट अ रोबोट का कैप्चा। तो इसे आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है और सिंपली चेक वारंटी पे क्लिक कर देना है। वारंटी एंड रिटर्न स्टेटस में हमारा जो वारंटी है वो 24 सितंबर 2024 तक वैलिड है, जिसके कारण ये ड्राइव हमारा 5 से 6 दिन के अंदर रिप्लेस हो सकता है। तो सिंपली यहाँ पे हमें कर देना है नेक्स्ट। फिर हमसे पूछा जाता है शिपिंग एड्रेस, जो हमने पहले ही फिल कर रखा है, और उसी के ठीक नीचे हमारे सीगेट का सर्विस सेंटर जो चेन्नई में है उसका एड्रेस मेंशन है। सिंपली यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें अपना ऑर्डर रिव्यू करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें फर्स्ट एड्रेस है हमारा सीगेट का सर्विस सेंटर का, जहाँ पे हमें डिफेक्टिव प्रोडक्ट शिप करना है, और दूसरा एड्रेस है हमारा जहाँ पे हमारा नया ड्राइव शिप होगा। और ठीक नीचे हमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, साथ ही साथ सीरियल नंबर और प्रोडक्ट नंबर। और यहाँ पे हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो सिंपली सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो भाई, जैसे ही हम यहाँ पे अपने ड्राइव की रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं तो हमारे पास एक ऑर्डर कंफर्मेशन का मेल आता है, साथ ही दो डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। पहला जो है एड्रेस वाला, दूसरा जो है RMA रिटर्न मर्चेंडाइज ऑथोराइजेशन। और इसी नंबर से हमारे ड्राइव का स्टेटस भी चेक होगा, जो आप यहां से कर सकते हो। तो भाई, सबसे पहले आपको डेड ड्राइव को बहुत ही अच्छे तरीके से बबल रैपिंग के साथ पैक करना है इन द बॉक्स। और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, एक आपको बॉक्स के अंदर डालना है जिसमें डिटेल्स है RMA की, और दूसरा जिसमें एड्रेस है उसे आपको फ्रंट पे चिपका देना है, और उसी एड्रेस पे आपको ये ड्राइव शिप कर देना है 1 से 2 दिन के अंदर। तो भाई, जैसे ही मेरा पैकेट रेडी हुआ, मैंने उसे इंडिया पोस्ट के जरिए सेंड कर दिया सीगेट के सर्विस सेंटर पे। तो भाई, जैसे ही आपका डिफेक्टिव प्रोडक्ट सर्विस सेंटर पहुंचता है, आपके पास एक छोटा सा मेल आएगा, उसी के जस्ट बाद आपके पास एक कंफर्मेशन कॉल आएगा ड्राइव को चेक करने के बाद, जिसमें आपका एड्रेस वेरीफाई किया जाएगा और आपका नाम, और उसके बाद आपके एड्रेस पे नया वाला ड्राइव शिप कर दिया जाएगा। तो देखो, कुछ इस तरीके की पैकिंग के साथ आता है हमारा रिप्लेसमेंट ड्राइव, और ये काफी ज्यादा अच्छे तरीके से पैक किया गया है। अंदर आप देखो तो यहाँ पे हमें फॉर्म देखने को मिलता है, जो हमारे ड्राइव को बहुत ही ज्यादा सेफली हम तक पहुंचा देता है। और ये रहा हमारा ड्राइव, बहुत ही खतरनाक। तो भाई, देखा आपने कैसे हमने अपने डेड ड्राइव को रिप्लेस किया है नए ड्राइव से, और ऐसा आप भी कर सकते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करके चुटकी बजा के। ये वाली नहीं भाई, भीम नहीं छोड़ेगा फिर मेरे को। तो भाई, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत हेल्प करता है तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ताकि ऐसे वीडियोस लगातार आप देख सको। करो फिर।